The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. So namaskar, adab, sat sri akal, main hu Dr. Paramjeet, aap dekh rahe hain Dr. Education. Aur yahan hum aapko health care ke bare mein बेसिक समझाते हैं, बहुत ही सिंप्लीफाइड भाषा में वो बातें बताते हैं जो मेडिकल लैंग्वेज में आपको समझ में नहीं आती, उसको सिंप्लीफाई करते हैं। आज हम आपको बताएंगे एक ऐसी बीमारी जो आपका दिमाग हिला सकती है, या दिमाग हिला सकती है, कैरोटिड आर्टरी डिजीज़। ये वो खून की नसें हैं, ये वो आर्टरी हैं, ये वाहिकाएँ, खून की वाहिकाएँ हैं जो आपके गले में हैं और गले से ऊपर दिमाग में खून लेके जाती हैं। अगर इनको इनके अंदर बीमारी हो जाएगी तो दिमाग में खून नहीं जाएगा। सो कैरोटिड आर्टरी इज आर दोज आर्टरीज विच सप्लाई ब्लड टू योर ब्रेन एंड हेड। ऑलराइट, सो इफ देयर इज एनी डिजीज तो प्रॉब्लम हो जाएगी भाई, बहुत डेंजरस इशू हो जाएगा। व्हाट विल बी द प्रॉब्लम? कैरोटिड आर्टरी डिजीज का मतलब है कि अब हार्ट अटैक की जगह या हार्ट अटैक के जैसे जो कोलेस्ट्रॉल प्लाक फैट डिपॉजिट हो रहा है, ये आपके कैरोटिड आर्टरी में हो रहा है और वो आर्टरी को ब्लॉक कर रहा है। सो जब ये आर्टरी ब्लॉक होती है, व्हेन दिस आर्टरी गेट्स ब्लॉक्ड, इट इंक्रीजेस योर चांसेस ऑफ स्ट्रोक। सो जब भी किसी को क्लॉट आता है, स्ट्रोक आता है, कैरोटिड आर्टरी चेक की जाती है अल्ट्रासाउंड से, डॉपलर से, जिससे दिखाई देता है कि उसमें कोई क्लॉट, कोई प्लाक, कोई ब्लॉकेज है कि नहीं है, दैट इज देयर। सो अब अगर स्ट्रोक हो जाता है तो स्ट्रोक का मतलब कि वहां कैरोटिड आर्टरी बीमारी में दो में से एक काम हुआ, या तो इतनी बीमारी हो गई है कि वो कैरोटिड आर्टरी ही पतली हो गई है, आधी से ज्यादा पतली हो गई है, 50% रह गई है, 30% रह गई है, 20% रह गया है, तो ब्लड सप्लाई ही कम है। सो क्या होगा, धीरे धीरे आपका ब्रेन जो है उसको ऑक्सीजन कम 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 मिलता रहेगा। सो स्लोली योर ब्रेन विल बी डिप्राइव्ड ऑफ द ऑक्सीजन इट रिक्वायर्स। और लेकिन अगर वहां पर मान लीजिए कोई क्लॉट आके फंस गया कैरोटिड आर्टरी में, या वहां से कोई क्लॉट बन के टूट के ब्रेन में घुस गया, तो दैट विल कॉज इमीडिएट ब्लॉकेज, स्टॉपेज ऑफ ब्लड टू योर ब्रेन। तो उसमें क्या होगा, विद इन मिनट्स, कुछ ही मिनटों में, 30 सेकेंड्स में ब्रेन सेल्स की डेथ होनी शुरू हो जाती है। स्ट्रोक इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन रीजन फॉर डेथ एंड डिसेबिलिटी इन द वर्ल्ड। इन द वर्ल्ड की बात करें, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉज। सो कैरोटिड आर्टरी डिजीज जो है, ये हार्ट अटैक की तरह दिनों में नहीं, महीनों में नहीं, सालों में बनती है, स्लोली बनती है और पता ही नहीं चलता कब बन रही है, किस में बनी है। सीधा स्ट्रोक या इस्चिमिक अटैक या कभी कभी ट्रांजियंट इस्चिमिक अटैक TIA करके सामने आती है। TIA मतलब कभी कभी टेम्पररी आपके ब्रेन को ब्लड फ्लो ब्लॉक हो जाता है। Temporary blockage of blood flow to the brain can cause a transient ischemic attack. मतलब transient बेहोशी आ गई, एकदम हाथ पैर हिलने बंद हो गए, एक हाथ हिस्सा काम करना बंद करता है, लेकिन थोड़ी देर बाद 24 घंटे के अंदर शुरू हो गया फिर से अपने आप, या दवाई से या फिर ठीक हो। So carotid artery disease अपने आप में इसको manage किया जा सकता है, इसको ठीक किया जा सकता है अपने अच्छे लाइफस्टाइल से, मेडिकेशन से, कभी कभी ऑपरेशन भी ज़रूरत पड़ जाती है। सो आइए बात करते हैं कि अगर कैरोटिड आर्टरी में डिजीज़ होगी तो उसके लक्षण क्या होंगे, आप कैसे पहचानेंगे, आगे कैसे बढ़ेंगे। सबसे पहले शुरुआत में कोई साइन सिम्टम नहीं आएगा, साइन सिम्टम बिल्कुल आएगा जब तक आपको स्ट्रोक होगा। स्ट्रोक होगा या TIA होगा तो एक किसी एक हिस्से में, पूरे शरीर में, फेस में, पैरों में नमनेस होगा, वीकनेस होगा, नमनेस या वीकनेस। उसके बाद देर कैन बी, या फिर आपको हो सकता है बोलने में दिक्कत, ट्रबल स्लीप स्पीकिंग और अंडरस्टैंडिंग, आँखों में दिक्कत हो सकता है, देखने से अंधा हो सकता है, ब्लाइंडनेस हो सकती है, डिजीनेस हो सकता है, चक्कर आ सकते हैं, हेडेक हो सकता है, सिवियर हेडेक हो सकता है विदाउट हैविंग एनी अदर रीजन। सो ऑल दीज कैन बी सिम्टम। अगर आपको इनमें से कुछ भी हो रहा है या कोई भी अजीबोगरीब न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो रहा है तो फुल ब्लोन स्ट्रोक होने से पहले तुरंत अस्पताल दौड़िए, डॉक्टर को दिखाइए, CT स्कैन कराइए, अल्ट्रासाउंड कराइए, उससे पता चलेगा।
मगर सबसे बड़ा सवाल इसको ठीक कैसे, इसको प्रिवेंट कैसे करें। प्रिवेंशन से पहले आपको जानना होगा कि यह होता किस कारणवश है, कौन से रिस्क फैक्टर हैं, कौन सी ऐसी गलती, कौन से ऐसे पाप किए आपने या जिस पेशेंट ने कि उसको ऐसा हुआ। सो सबसे बड़ा इशू आपको समझना है यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल, कैल्शियम, फाइब्रिनस सब्सटेंसेस, मतलब बेसिकली वही प्लाक बन रहा है, प्लेटलेट सारे इकट्ठे हो रहे हैं। तो इसका इसका इलाज ये नहीं है कि ये सारी चीज़ों को ख़त्म कर दिया जाए, शरीर में घुसने ना दिया जाए, नहीं, ये सारी चीज़ों का अपना अपना रोल है। यहाँ पर प्रॉब्लम कुछ और है, प्रॉब्लम इज़ एथरोस्क्लेरोसिस, और प्रॉब्लम इज़ कि एथरोस्क्लेरोसिस की वजह से जो आर्टरीज हैं वो नैरो हो रही हैं, वहाँ पे वो स्टिफ हो रही हैं, ऑक्सीजन सप्लाई कम हो रहा है। तो इसका जो मूल कारण है वो वही कारण है जो हार्ट अटैक के कारण बनते हैं, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर, बहुत बड़ा एक्सेस प्रेशर आपके आर्टरी वॉल्स में, आर्टरी वॉल्स को वीक कर सकता है, डैमेज कर सकता है, वहाँ पे कोलेस्ट्रॉल और प्लाक्स डिपॉजिट्स बढ़ा सकता है। टोबैको, तंबाकू का इस्तेमाल, स्मोकिंग और अल्कोहल, दीज काइंड ऑफ यूसेस कैन इरिटेट द इनर आर्टरी वॉल्स, कैन एक्चुअली कॉज इंक्रीज डिपॉजिट ऑफ कोलेस्ट्रॉल, हार्ट रेट बढ़ा सकता है, बीपी बढ़ा सकता है। सो ऑल दीज कैन लीड टू कैरोटिड आर्टरी डिजीज एंड हार्ट अटैक, बट ऑफ कोर्स सो दिक्कतें बढ़ सकती हैं आपके इनसे। थर्ड रीजन है डायबिटीज। डायबिटीज आपकी फैट को एफिशिएंटली प्रोसेस करने की एबिलिटी को कम कर देता है, तो शरीर में ज़्यादा फैट जमा रह सकता है, ब्लड प्रेशर भी बढ़ा सकता है डायबिटीज के वजह से, और एथरोस्क्लेरोसिस भी हो सकता है, एथरोस्क्लेरोसिस भी हो सकता है, डायबिटीज में भी रिस्क बढ़ जाता है, हार्ट अटैक का भी, स्ट्रोक का। सो आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, हार्ट के बटन दबाते रहें और शेयर करते रहें वीडियोस को, प्लीज़ डू दैट। और तीसरे कारण के बाद चौथा कारण है अपने आप में हाई ट्राइग्लिसराइड लेवल्स। ब्लड के अंदर फैट ही ज़्यादा है, कोलेस्ट्रॉल ही बहुत ज़्यादा है, ट्राइग्लिसराइड इज़ द मेन थिंग, एंड द सेकेंड इज़ द LDL, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन इज़ द बैड कोलेस्ट्रॉल, एंड वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन VLDL। तो VLDL, LDL एंड ट्राइग्लिसराइड, इसको मिनिमम या इसको कंट्रोल में रखना ज़रूरी है। कोलेस्ट्रॉल लेवल्स भी ठीक ठाक रहने चाहिए, स्काई रॉकेटेड दो दो तीन तीन गुना नहीं होने चाहिए। फैमिली हिस्ट्री भी मैटर करती है, आपके फैमिली में किसी को कैरोटिड आर्टरी डिजीज, स्ट्रोक की हिस्ट्री है, आपको भी रिस्क है। ओबेसिटी मैटर करती है, आप मोटे हैं गंभीर तरीके से तो आपका इन ये ऊपर दी गई सारी बीमारियों के रिस्क बढ़ जाएंगे। स्लीप एपनिया हो जाएगा उसके वजह से ही, यानी सोते हुए आपकी नींद जो है वो टूटती है, आपको पता नहीं चलता, दिमाग में ऑक्सीजन कम जाता है, स्लीप एपनिया विल, एक तो स्लीप एपनिया, ऊपर से किसी को कैरोटिड आर्टरी डिजीज, डबल द रिस्क हो जाएगा। और अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते, ये भी अपने आप में एक रिस्क है। सो लैक ऑफ एक्सरसाइज विल अगेन लीड टू स्टिफनेस ऑफ दी आर्टरीज, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, ओबेसिटी, ऑल दीज थिंग्स। सो मेक श्योर कि आप इन सारी चीज़ों को प्रिवेंट करें, स्मोकिंग ना करें, है एक हेल्दी वेट मेंटेन करें, लिमिट योर कोलेस्ट्रॉल एंड फैट इनटेक, ईट अ लॉट ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, लिमिट योर सॉल्ट, डू रेगुलर एक्सरसाइज विच विल लोअर योर कोलेस्ट्रॉल लेवल्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, अल्कोहल को कंट्रोल करिए। क्रोनिक कंडीशन कोई ऑलरेडी है, डायबिटीज, हाइपरटेंशन या कोई भी बीमारी चल रही है, तो उसको मैनेज करें, उसको कंट्रोल करें, ताकि वो सारी चीज़ें आप पे हावी ना हो जाए, वरना दिस काइंड ऑफ अ डिजीज विल लीड टू कॉम्प्लिकेशंस। व्हाट काइंड ऑफ कॉम्प्लिकेशंस? कैरोटिड आर्टरी डिजीज विल रिड्यूस ब्लड फ्लो टू योर ब्रेन, ऑब्वियसली, सो दैट विल लीड टू क्रोनिक स्लोली ब्रेन डैमेज, स्लो मेमोरी लॉस, और कोई स्ट्रोक के तो एक्यूट स्ट्रोक तो है ही, प्लाक रप्चर हो जाए, प्लाक रप्चर होके एकदम से ब्रेन में क्लॉट बन जाए, ब्रेन सीधा ब्रेन अटैक स्ट्रोक हो जाए, या ब्लड क्लॉट जो है वो आके फंस जाए और वो वहाँ पर आपके ब्रेन के किसी एक हिस्से को ब्लड सप्लाई बंद कर दे और आपका आगे ब्रेन का प्रोसेसिंग ख़त्म हो जाए। सो दोज काइंड ऑफ थिंग्स कैन लीड टू स्ट्रोक, एंड स्ट्रोक कैन बी डिबिलिटेटिंग, समटाइम्स इट कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग, जान भी जा सकती है, या ज़िंदगी भर अपाइज होके आप दूसरों पे डिपेंडेंट रह सकते हैं। आप ये नहीं चाहते, कोई ये नहीं चाहता, तो अपनी लाइफ, अपनी ज़िंदगी सुधारने के लिए इंश्योरेंस लेने से बेहतर, या इंश्योरेंस लेने के बाद ये ज़रूर करें कि अपनी लाइफ में गलतियां सुधारें। जो भी गलती आप कर रहे हो, भी आप स्मोकिंग कर रहे हो, अल्कोहल ले रहे हो, मोटे हो, एक्सरसाइज नहीं करते, या बहुत ज़्यादा फैट खाते हो, अच्छी वेजिटेबल्स फ्रूट्स नहीं खाते, इनको ठीक करें, बीपी शुगर मैनेज करें, फैमिली के साथ टाइम बिताएं, खुश रहिए, आबाद रहिए, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी।